हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे 6:15 बज गए सुबह के, और यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ सुबह की। मैं बासी झाड़ू निकाल रही हूँ घर में से, और फूड तो मैं 5:30 बजे गई थी, लेकिन फिर सुबह का गर्म पानी वगैरह पीना, एक्सरसाइज करना और बाहर के काम, बाहर के झाड़ू वगैरह लगाना, तो ऐसे करते करते 6:15 बज गए यहाँ पर। तो यहाँ पे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ, और झाड़ू हॉल किचन और खुशी जो रूम में सोती है ना, बस वो रूम के झाड़ू लगाऊंगी। एक रूम में तो फिर ये सोए रहते हैं, ऋषभ सोया रहता है, तो वो रूम को भी नहीं लगा सकते झाड़ू, तो वो वाले रूम को फिर सब थोड़े से काम निपटाने के बाद लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, खुशी अभी सोई है, थोड़ी देर में उठ जाएगी वो, 6:45 बजे तक उठ जाती है वो। उसके कॉलेज का टाइम 8:15 का है, तो फिर वो 6:45 बजे उठ जाती है, तो 1 घंटे में तैयार हो जाती है वो, नहाना नाश्ता वगैरह करना, 1 घंटा हो जाता है उसका, 1 घंटे में हो जाता है उसका। तो यहाँ पर देखिए, झाड़ू लगा ली मैंने और फिर सीधे नहाने चली गई थी, तो फिर नहा लिया और चाय, ये भी उठ गए थे, फिर इनकी और मेरी चाय भी हो गई। तो अब यहाँ पे खुशी के लिए दूध गर्म कर दिया मैंने, और उसके लिए अब यहाँ पे नाश्ता बना लेती हूँ। और नाश्ते में उसको मैं बना रही हूँ, वो छोकी सेवई होती है ना, तो बस छोकी सेवई बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेवई के लिए पानी छोक दिया है, और छोकने में कुछ नहीं, बस प्याज कट करके डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा हरा धनिया डाल दिया, टमाटर डाल दिए और सेवई डाल दी पानी में, जब पानी बलक जाता है ना, तो बस सेवई डाल दी। और यहाँ पर आलू बॉईल करने हैं मुझे, तो उसको छील रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज ऋषभ के लिए बनाने हैं आलू के पराठे, और इनके लिए बनाने हैं साबुदाने के वड़े, क्योंकि आज गुरुवार है तो इनका उपवास होता है आज। तो इनका ना पहले भगर खाने से मन ये हो गया उनका, पहले भगर खा लेते थे अच्छे से, लेकिन बाद में फिर उनका मन नहीं कर रहा है भगर खाने का, अब ना उनका साबुदाने की खिचड़ी भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो अब बोल रहे हैं कि साबुदाने के वड़े बनाया कर। तो अब 3 गुरुवार हो गए हैं, तो मैं लगातार 3 गुरुवार से उनको साबुदाने के वड़े ही बना रही हूँ, और ना अलग चीज़ें कुछ खाते भी नहीं है वो, कुछ नया ट्राई करती हूँ ना तो फिर वो तो भूखे रह जाते हैं, खाते ही नहीं है बिल्कुल, तो बस जो पुराना अपना चलता है ना, बस वही चलाती हूँ। तो यहाँ पे सेवई बन गई है मेरी, और खुशी को भी सेवई दे देती हूँ, और पहले सेवई को आई थी वो लेने को, लेकिन तब सेवई बनी नहीं थी, थोड़ी बाकी थी, तो फिर इसकी वजह से अभी दे रही हूँ उसको। और यहाँ पे आलू लगा देती हूँ, और आलू में ना नमक डाल देती हूँ साथ में ही, अच्छे से आलू में चला जाता है ना, तो कोई भी चीज़ फिर आलू की अच्छी लगती है। तो यहाँ आलू लगा दिए कुकर में मैंने, और अब उसकी 2 सीटियाँ ले लेती हूँ, और जब तक आलू उबलते हैं तब तक बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। और तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, खजूर के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं, और फिर उसको दूध में बॉईल कर लिया अच्छे से इनके लिए, और दूसरा कुछ नया खाते नहीं है, बस यही चलता है उनका। और यहाँ पे साबुदाना और मूंगफली का पाउडर और आलू बॉईल किए थे ना, तो वो सारे इसमें थाली में डाल दिए, और मिर्ची की पेस्ट बना ली हरी मिर्ची की, और सारा नमक डाल दिया, और सारा अब मैं मिक्स कर लूँगी। और जो कुकर में है ना, मैंने खिचड़ी लगाई है खुशी को, फीकी खिचड़ी होती है ना, दाल तुअर की, दाल की और चावल, तो वो वाली खिचड़ी उसको अच्छी लगती है, तो बनाने में ही नहीं आ रही है बहुत दिनों से, तो फिर आज इनको उपवास है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि इनको उपवास वगैरह नहीं होता है ना, तो फिर ये खिचड़ी खाते नहीं है, तो फिर अलग से सब्जी रोटी बनाओ, फिर अलग से खिचड़ी बनाओ, तो ऐसा नहीं होता है, तो फिर आज उनको उपवास था, तो चलो लगा आज बना लेते हैं, और मेरा और खुशी का हो जाएगा खिचड़ी से, मैं भी खा लेती हूँ, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ बनाना पड़ेगा, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे वो साबुदाने कोड़े का जो आटा है मैंने साइड में रख दिया, और बाद में गर्म गर्म निकाल के दूंगी उनको। और अब पराठे बना लेती हूँ ऋषभ के लिए, टिफिन के लिए भी, और घर पे एक खादा खाएगा तो उसके लिए भी, तो 2-3 पराठे का आटा लगा लिया था मैंने, और 3 आलू की स्टफिंग बना ली है, तो फिर 3-4 पराठे बना लूँगी उसको, और बचता है ना स्टफिंग बचती है, तो फिर बाद में साइड में रख दूंगी, फिर स्कूल में से आने के बाद बोलता है कभी कभी पराठे खाने के, तो फिर बाद में तब बना के दूंगी। तो अभी उसके लिए टिफिन के लिए और घर के लिए बना लेती हूँ। पराठे का ऐसा होता है ना, जितना स्टफिंग होती है ना, बस उतना ही आटा लेना होता है, और जितना हो सके ना हाथ से थपथपा के उसको ऐसे बराबर कर लेते हैं ना, तो फिर पराठे फटते नहीं है एक तो, और अच्छे बनते हैं, और पूरा इक्वल इसमें ना फैल जाता है, जो अंदर की स्टफिंग होती है ना पूरी बराबर से आटे के बराबर फैल जाती है। और यहाँ पर क्या करती हूँ, पराठे को ना घी लगाती हूँ, क्योंकि ना यही चांस होता है जब मैं ऋषभ को या तीनों बच्चों को ना घी खिला सकती हूँ, ऐसे वैसे तो तीनों बच्चे मेरे घी खाते ही नहीं है, बस ऐसे ही मुझे छुपा छुपा के किसी चीज़ में उनको खिलाना पड़ता है, तो पराठे हो गए, हलवा हो गया, ऐसी कोई चीज़ें होती है ना, तो मैं उसमें डाल के उनको घी खिलाती हूँ। तीनों बच्चे मेरे ऐसे ही है, बस मैं घर में घी भी बनाती हूँ ना, बटर से जब घी बनाते हैं ना तो घर में ना सारी स्मेल हो जाती है ना घी की, तो बस वो स्मेल से ना दूर भागते हैं बच्चे, जब मुझे वो घर में नहीं होते ना तभी घी बनाना पड़ता है। और अभी यहाँ पे 10:15 हो गया है, और ऋषभ को छोड़कर आ गए हैं महाराज, महाराज वही जो दुकान पर काम करते हैं, वैसे तो ऋषभ को छोड़ने को यही आने वाले थे, सुबह सुबह खुशी को छोड़ने को गए वो, और फिर बाद में उधर कुछ उनको दुकान पर काम करना था तो वो उधर ही रह गए, और 10 बजे ऋषभ को छोड़ने को आने वाले थे स्कूल में, तो फिर उनको कुछ अर्जेंट काम निकल आया, तो फिर वो नहीं आ रहे घर पर, तो महाराज को भेज दिया उन्होंने ऋषभ को छोड़ने को, तो फिर महाराज ऋषभ को छोड़ के आ गए हैं, और अब उनका टिफिन भी मुझे महाराज के पास ही देना है, वो नहीं आने वाले खाना खाने को भी घर पे नाश्ता करने को, तो फिर टिफिन उनका दे दूंगी यहाँ पर, और थोड़ी सी 1-2 मिर्ची भी भून लेती हूँ, उनको तेल में मिर्ची फ्राई करते हैं ना, तो वो अच्छी लगती है,
साथ में, तो फिर वो दे देती हूँ वड़े के साथ में। और आज के जो वड़े हैं ना थोड़े से ऑयली बन रहे हैं, क्योंकि ना आज मुझसे गलती हो गई है, जो मैंने ऋषभ के लिए पराठे के लिए आलू उबाले ना, तो फिर उसी में मैंने वड़े के लिए आलू उबाल दिए, तो पराठे के लिए आलू जो है ज़्यादा उबालने पड़ते हैं, और इसके लिए जो वड़े के लिए थोड़े से कच्चे रखने पड़ते हैं। जब उसके लिए कच्चे रखते हैं ना वड़े के लिए, तो फिर वो ज़्यादा ऑयल पीते नहीं है और अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, तो ज़्यादा उबले हुए आलू ना ज़्यादा तेल पीते हैं, तो आज थोड़े ऑयली बन रहे हैं। और हमेशा क्या करती हूँ, थोड़े से अलग से उबालती हूँ ना तो कच्चे रहने देती हूँ, तो उसको फिर कद्दूकस करती हूँ, तो फिर वो अच्छे बड़े बनते हैं उसके। यहाँ पर देखिए टिफिन पैक हो गया मेरा, दही डाल दिया, मिर्ची डाल दी, और जो खजूर पकाए थे दूध में वो भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ना मैंने बड़े काटा रखा है खुशी के लिए, तो जब खुशी आएगी ना तो उसको थोड़े से मैं फ्राई करके दे दूंगी। तो अभी इनका टिफिन पैक कर देती हूँ और महाराज पर दे देती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा किचन वगैरह सारा साफ सफाई वगैरह कर लूँगी, किचन एक बार समेट लूँगी ना, तो फिर उसके बाद फिर काम तो नहीं है कुछ, बस एक रूम सफाई की बाकी है तो वो करनी है, और ज्वारी धोनी है मुझे आज, तो ज्वारी धो लूँगी थोड़ी सी। क्या है ना, बहुत दिनों से ज्वारी की रोटी खाने का मन कर रहा है उनका भी और मेरा भी, लेकिन ज्वारी धोना हो ही नहीं रही थी, क्योंकि बारिश शुरू है, तो फिर बारिश शुरू है तो फिर वो ज्वारी सूखेगी नहीं ना, तो फिर इस वजह से धोना ही नहीं हो रही थी। तो आज तो मुझे कैसे भी करके ज्वारी धोनी है, तो बस बर्तन वगैरह कर लिए, किचन के कपड़े धो लिए, काउंटर साफ हो गया, किचन पूरा ही समेटना हो गया है मेरा। अभी सिंक वगैरह साफ कर लेती हूँ और उसके बाद ज्वारी धो लूँगी, और ज्वारी का ना जितने जल्दी धोगी ना उतना अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह क्या हो रहा था ना, सुबह से बारिश शुरू थी, रिमझिम थी, और बदली भी अच्छी ज़्यादा आई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर बारिश होगी, लेकिन क्या हुआ 10 बजे तक बारिश आई और उसके बाद ना बदली खुलना चालू होगी, तो अभी ना अच्छी धूप निकली है, तो फिर मैं सबसे पहले अब ज्वारी धो लेती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे भी मिल जाएंगे ना ज्वारी को सूखने के लिए, तो फिर काफ़ी होती है, उसको खाली धोनी है और सूख जाएगी, वैसे कुछ भिगानी नहीं है कुछ नहीं, तो खाली धोनी है तो सूख ही जाएगी ज्वारी को ना। तीसरी जो छत है ना उस पर ले जाके सुखा दूंगी, तो जल्दी सूख जाती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ डालूंगी ना तो जल्दी सूख जाती है, ज़्यादा धूप लगती है ना वहाँ पे तो फटाफट चीज़ें सूख जाती है। और अभी दूध वाले भैया ने भी दूध लाकर दे दिया है, तो दूध को भी गैस पर रख दिया मैंने, कम गैस पर रख देती हूँ गर्म होने के लिए, तो आराम आराम से गर्म होता रहता है ना, तो अच्छी मलाई निकल जाती है उसमें। तो ज्वारी धोना होगी है यहाँ पर मेरी, अब थोड़ी देर के लिए ना सो पानी निथारने के लिए यहीं पर रहने दूंगी, और फिर बाद में ऊपर ले जाकर डाल दूंगी उसको। तो यहाँ पे किचन के तो काम मेरे हो गए हैं सारे, अब बस रूम बाकी है समेटने की, थोड़ी हो गई है थोड़ी बाकी है, तो जितनी बाकी है उतनी रूम कर लेती हूँ। तो बिस्तर वगैरह उठा लिए थे मैंने और बेडशीट वगैरह धोने में डाल दी थी, और बेडशीट भी चली अपने दूसरी वाली, और झाड़ू लगा लेती हूँ। और टॉवल देखिए यहाँ पे सभी के टॉवल ना ऐसे ही मिलते हैं, किसी के गद्दी पे होते हैं, किसी के कहीं पर पड़े होते हैं, कोई भी अपने टॉवल ना सूखने के लिए नहीं डालता है बाहर ले जाके, मुझे डालने पड़ते हैं सभी के टॉवल। तो रूम सारी समेट ली मैंने यहाँ पे, और खिड़की खोल देती हूँ यहाँ पर, तो अच्छी हवा आएगी, और बाहर ना कपड़े मुझे फैलाने हैं ऊपर ले जाके छत पर, क्योंकि मौसी धोकर गए हैं, क्योंकि जब भी बारिश चालू थी तो मौसी ने बाथरूम में ही कपड़े धोए हैं और बकेट में रख दिए थे, तो मैं अब ऊपर ले जाके डाल दूंगी, तो जल्दी से सूख जाएंगे कपड़े। तो फ्रेंड फिर वीडियो को यहीं पर रोक देती हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।